मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्यूटर पे तो वायरस आना नॉर्मल बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में भी कई तरह से वायरस आता है। ये वायरस कहां से आता है, कैसे आता है, हम सब इन सब बातों के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी इन्हीं तरह सभी वायरसों की डिटेल से चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो एंड्रॉइड फोन में वायरस आने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट तरीके बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आपके एंड्रॉइड फोन में वायरस आता है और आप इसे कैसे बच सकते हैं, आइए जान लेते हैं इनके बारे में। नंबर 1 है ऐप परमिशन। जी दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ऐप परमिशन की वजह से हमारे एंड्रॉइड मोबाइल में वायरस आ जाता है। चाहे आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो या किसी थर्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, तो जैसे ही आप उसको परमिशन देते हो अपने मोबाइल के अंदर एक्सेस करने की, तब वो आपके मोबाइल के अंदर SMS आपकी जो लोकेशन होती है उसको ट्रैक कर सकता है और आपकी जो स्टोरेज है मोबाइल की उसके अंदर भी कोई भी फाइल डाल सकता है, आपने जो मोबाइल के अंदर कोई भी फाइल है उसे ले सकता है। तो दोस्तों ऐसी ऐप को आप बिना पूरी तरीके से पढ़े हुए आप उन्हें अलाउ कर देते हो, अपने मोबाइल के अंदर परमिशन दे देते हो, जिसकी वजह से वो आपके मोबाइल के अंदर कोई किसी भी प्रकार की फाइल या वायरस आपके मोबाइल के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से आपके जो जितनी भी सिक्योरिटी है वो टूट जाती है और आप बहुत ही आसानी से हैक हो जाते हो। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपको जैसे ही लगे कि ये ऐप ट्रस्टेड नहीं है तो उस ऐप को आप परमिशन मत दो, और अगर आपने ऐसी ऐप को परमिशन दे भी दी है तो आप उसे वापस परमिशन किस तरीके से हटा सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हटाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है और सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको जाना है मोड सेटिंग के अंदर। मोड सेटिंग के अंदर जैसे ही जाओगे आपको वहाँ पे मिलेगा ऐप मैनेजर। जैसे ऐप मैनेजर पर आप ओके करोगे तो सारी ऐप आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी। और आपको लग रहा है कि ये ऐप ट्रस्टेड नहीं है, जैसे सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मान लो कि मुझे ओलेक्स है इंडिया वाला वो ट्रस्टेड नहीं लगता मुझे, तो यहाँ पे आपको नीचे परमिशन का नाम लिखा हुआ होगा वहाँ पे आप ओके करोगे। और ये देखिए सारे मैंने उसके अंदर कैमरा बंद कर रखा है, कॉन्टेक्ट बंद कर रखा है, और वैसे यहाँ पे आपके लोकेशन जितने भी ये परमिशन अलाउ की हुई है वो सारी आप बंद कर देंगे तो वो ऐप है वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। आपके कॉन्टेक्ट है, कैमरा है, लोकेशन है, फ़ोन का है, स्टोरेज है, उनको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। 2 नंबर है ऐप इंस्टॉलेशन। जी दोस्तों, अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर के बाहर की बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिन्हें थर्ड वेबसाइट से हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड न करके किसी अन्य वेबसाइट से या थर्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस ऐप के अंदर हम लोग बहुत सारी परमिशनें भी दे देते हैं और उन ऐपों के अंदर कोई भी मालिशियस कोड या कोई भी फाइल या किसी भी तरह का वायरस वो हमारे फ़ोन के अंदर बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप क्यों डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई भी ऐप है जिसके अंदर मालिशियस कोड या वायरस होता है तो गूगल प्ले स्टोर क्या करता है कि ऐसी ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर बैन कर देता है, बंद कर देता है उस ऐप को। नंबर आप अपने मोबाइल को क्या करते हो, रूट कर लेते हो, बहुत बार ऐसा करते हो ताकि आपके मोबाइल के अंदर स्पेस बच जाए, मोबाइल अच्छे तरीके से चले। तो रूट करने से आप सभी लोग जानते हो कि मोबाइल की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और इस वजह से आप बहुत ही आसानी से कोई भी थर्ड वेबसाइट आपके मोबाइल के अंदर मालिशियस कोड या वायरस डाल सकता है। तो मैं आपको इस प्रकार की कोई भी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने फ़ोन को रूट कीजिए, क्योंकि आप रूट फोन को रूट करते हो तब कोई भी जो रूट ऐप है वो आपके मोबाइल के अंदर बहुत ही आसानी से एक्सेस करके आपके मोबाइल के अंदर किसी भी प्रकार का वायरस डाल सकती है।
तो चार नंबर बात है वायरस। ज्यादातर क्या होती है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें होती है या हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसएमएस आते हैं कि आप इस लिंक को ओपन करो, या ऐसे आप अभी के टाइम में भी बहुत सारे एसएमएस आते हैं कि जियो का रिचार्ज फ्री मिलेगा। तो ऐसी वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करते हो तब आपका फोन या तो वाइब्रेशन करने लगता है या वार्निंग आ जाता है, या कभी बार क्या होता है अपने आप ही एक ऐप डाउनलोड हो जाती है अपने मोबाइल के अंदर। तो वो क्या होता है, जैसे हमारे फोन के अंदर वो ऐप डाउनलोड हो जाती है, उस ऐप के अंदर किसी भी टाइप का वायरस होता है जिसकी वजह से हम लोग आसानी से हैक हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमेशा जान रहे हैं ऐसी कोई वेबसाइट ना खोले, या कोई भी आपके ऐसे फेक एसएमएस आए तो उनसे सावधान रहे। तो पांच नंबर जो पॉइंट है वो है हैक वर्जन। जैसे आप किसी भी प्रकार से कोई भी हैक गेम या हैक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से हैक हो जाते हो, और आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी प्राइवेट जो जितनी भी सिक्योरिटी रहेगी वो सारी की सारी जो ऐप है उसको अलाउ हो जाएगी और वो आसानी से आपको एक्सेस कर सकता है आपके फोन के अंदर। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी आपको? यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। और आगे भी मैं ऐसे टेक्निकल से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा, और मैं अपने लेवल पे बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद।